नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। भले ही लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता होकर रांची के रिम्स में इलाजरत हैं और रांची के रिम्स के चार दीवारी के अंदर कैद हैं, लेकिन उनकी नजर बिहार की राजनीति पर अक्सर रहती है और क्या कुछ हो रहा है इस पर वो हमेशा ध्यान देते रहते हैं और इस पर वो एक्टिव भी रहते हैं। इस बार उन्होंने एक बार फिर से ट्वीट करके नीतीश कुमार पर हमला बोला है। बीते दिनों के जो लॉकडाउन हुए इस पीरियड में बिहार सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्य किया गया, नीतीश कुमार ने क्या काम किए, कहां पर सरकार की नाकामी रही, इन तमाम चीजों को लेकर के वो अक्सर अपडेट रहते हैं और नीतीश कुमार पर हमला बोलते रहते हैं। इस बार भी ट्वीट करके नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला गया है। क्या लिखा है उन्होंने ट्वीट में, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। लालू यादव ने ट्वीट किया है, जीवंत पर्यंत दूसरों की राजनीतिक बैसाखियों के सहारे टिके और इस गंभीर संकट काल में भी 89 दिन से आलीशान बंगले के बाहर कदम नहीं रखने वाले देश के एकमात्र मुख्यमंत्री को क्या अब बाहर निकलकर गरीब जनता को नहीं संभालना चाहिए? क्या एक मुख्यमंत्री को विपदा में डर के मारे ऐसे छुपना चाहिए? उन्होंने इसके साथ एक फोटो भी ट्वीट किया है जिसपे लिखा है, कोरोना संकट काल में सदा तत्पर प्रबल प्रतापी बिहार के मुख्यमंत्री का 89 दिन का कार्य, और नीचे एक ताला का साइन जो है, ताला की जो फोटो है वो लगाई गई है। इस फोटो के जरिए नीतीश कुमार पर हमला, ये बताने की कोशिश की 89 दिन का ये जो पूरा लॉकडाउन रहा उस दरमियान नीतीश कुमार कभी भी बाहर निकलकर गरीबों के बीच नहीं गए, ना जानने की कोशिश की कि आखिर उनके गरीब लोग या फिर जो इससे पीड़ित लोग हैं वो किस तरीके से जूझ रहे हैं और क्या कुछ परेशानी उन्हें हो रही है। यानी कि सीधे सीधे कोरोना काल में फेलवर साबित हुए नीतीश कुमार, और जो फोटो दिखाने की कोशिश की गई है जिसमें ताला लगाया गया है वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार इस 89 दिन में अपने घर के अंदर ही कैद रहे और उन्होंने ये भी कहा है कि देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो इस पूरे लॉकडाउन में खुद लॉकडाउन होकर घर के अंदर बंद रहे, लोगों के बीच नहीं गए, लोगों की समस्याओं को नहीं सुना, और उसका नतीजा हम सब ने देखा कि किस तरीके से बिहार में प्रवासी मजदूरों को सामना करना पड़ा संकट का, और कैसे जो क्वारंटाइन सेंटर थे वहां पर क्या कुछ व्यवस्था जो थी वो की गई थी। तो लालू प्रसाद यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के निशाने पर भी नीतीश सरकार रहती है, चाहे वो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा हो या आपराधिक अपराध का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार को घेरते नजर आते हैं तेजस्वी यादव, और घेरना अभी वाजिब भी है क्योंकि कुछ ही महीने बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्ष मजबूती से सरकार पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।